Look what we have got today. Let's go for a ride. Let's go. वेलकम टू द चैनल गाइस। हमने हेलमेट इंटरकॉम को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है और अभी हम मार्गला हिल्स पे राइड पे आए हैं। टेस्ट राइड है, अब हम ऑडियो क्वालिटी को टेस्ट कर रहे हैं। फैसल, आवाज़ आ रही है? यस, बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही है। दैट्स गुड। इस वक्त हम मार्गला हिल्स में, फैसल मुझसे थोड़ा सा पीछे, ऑलमोस्ट 300 to 400 meters। आप सही आ रही है आवाज़? यस यस, बिल्कुल क्लियर आवाज़ है। आगे रोड का बताना मुझे, रोड क्लियर है? बस आगे गाड़ियाँ आ रही हैं, टर्न से ख्याल से आना। वैसे हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थी। हाँ, एक्सपेक्टेशन हमारी इतनी नहीं थी कि इतनी क्लियर साउंड होगा, और जैसा कि विंड नॉइस की हम बात कर रहे थे, विंड नॉइज इसमें तो इसके अलावा तो कोई नॉइज ही नहीं है। हमारे जो आवाज है यही है। हाँ, थोड़ी देर मार में बोलो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे डिस्कनेक्ट हो गया हो। एग्जैक्टली। I have done the unboxing video of these intercoms last day, और वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। If you guys haven't seen the video, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू गाइज कैन चेक इट आउट। उसमें सारी डिटेल है, कॉस्ट प्राइस कितनी आई है, कस्टम चार्जेस, कितने दिनों में डिलीवर हुआ, एवरीथिंग इज इन दैट वीडियो। द लिंक टू द वीडियो इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस वक्त हम मार्गला हिल्स पे हैं, पिसावा रोड। इट्स अ शॉर्ट टेस्ट राइड जिसमें आज हम इन इंटरकॉम्स को टेस्ट कर रहे हैं हर तरह से। विद इन सिटी भी हम इनको यूज़ करेंगे, उसकी भी रिकॉर्डिंग करेंगे कि वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन इंटरकॉम्स के साथ। आ रहे हो फैसल? हाँ आ रहा हूँ। सही। हाँ गाइस, अभी हम लोग मार्गला हिल्स पे आए हैं इस इंटरकॉम को अपने चेक करने। तो हम लोग पहले भी जब आते थे तो एंट्री वगैरह यूज करते थे, कॉलिंग वगैरह यूज करते थे, लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। वो मार ने मुझे इसका आइडिया दिया, तो मैंने कहा यार, मेरी एक्सपेक्टेशन उतनी नहीं थी कि यार, मैंने कहा यार ऐसी चाइना की चीज़ है, पता नहीं क्या चलेगी कि नहीं चलेगी। लेकिन अभी जब हम लोग इसको टेस्ट राइड पे निकले हैं तो इसका रिजल्ट जो है वो वाकई में आउट क्लास है। हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जो है इसके अच्छा रिजल्ट है। हमने इसको विदिन सिटी भी टेस्ट किया है, अभी हम एक छोटी राइड पे यहाँ पे आए हुए हैं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम जो लॉन्ग राइड करेंगे उस पर भी जो है हम इसको वक्तन फवक्तन इसके प्रॉब्लम्स आपके साथ और इसके फ़ायदे आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। एग्जैक्टली। तो जैसे भी हम लॉन्ग राइड पे जाएंगे तो इसकी हम रिकॉर्डिंग करके तो हम शेयर करेंगे। अभी जो आप लोग आवाज़ सुन रहे थे फैसल की, वो बेसिकली इंटरकॉम की आवाज़ थी। तो रिकॉर्डिंग मेरे हैंड पे हो रही है, कैमरा मेरे उसके साथ अटैच है, और वो आवाज़ जो आप सुन रहे थे वो बेसिकली रिकॉर्डेड थी। तो आई होप कि वो आवाज़ भी परफेक्ट होगी। तो वैसे इसकी जो रियल टाइम जो साउंड है जो कि मैं सुन रहा हूँ, वो तो बिल्कुल आउट क्लास है। तो रिकॉर्डिंग में मे भी थोड़ा बहुत क्वालिटी में फ़र्क आया हो। इस इंटरकॉम को हमने एक जो है ना स्ट्रेट रोड पे यूज़ किया है, तो तकरीबन कितना था फैसल? 1.5 किलोमीटर। सिक्सटीन हंड्रेड मीटर्स तक बिल्कुल क्लियर आवाज़ थी, कोई डिस्टॉर्शन नहीं थी आवाज़ में। और जब 1700 मीटर्स पे पहुंचा तो उसके बाद फिर वो डिस्टॉर्शन शुरू होगी और उसके देन वो जो है ना डिसकनेक्ट हो गया। इस इंटरकॉम की जो मज़े की बात फैसल, वो ये कि मतलब खुद ही मतलब कनेक्ट हो जाता है। उसके लिए हमें ये नहीं है कि फिर रुको और दोबारा से जो है ना इसको कनेक्ट करो। हाँ, ये इसकी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये खुद ही ऑटोमेटिकली, जो ही अगर हम रेंज से बाहर भी निकले तो हम रेंज में जैसे ही आते ही ऑटोमेटिकली खुद कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ना मोबाइल टेप से दोबारा निकालना पड़ता है। हाँ, ऑटोमेटिकली खुद ही कनेक्ट कर देते हैं। और दूसरा, एट द सेम टाइम हमारा मोबाइल भी इसके साथ कनेक्टेड है वाया ब्लूटूथ। तो अगर मोबाइल पे कॉल आती है तो मुझे यहाँ ईयर पीस में मुझे आवाज़ आएगी बेल की, और मैं यहीं से कॉल को एक्सेप्ट कर सकता हूँ या रिजेक्ट कर सकता हूँ। तो इन द मीन वाइल जो है वो
फैसल के साथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और मैं कॉल सुन के उसके बाद जब मैं कॉल डिस्कनेक्ट करूँगा तो वो फिर ऑटोमेटिकली रिकनेक्ट हो जाएगा विद फैसल। अंबार की आवाज़ के अलावा जो है और कोई किसी किस्म की नॉइज इसमें है ही नहीं। हाँ ये ऐसा लगता है कि अंबार बोल बोल के थक जाए, मुझे ऐसा लगता है कि डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ फिर मैं कहता हूँ कि भाई आप मुझे सुन पा रहे हैं। विंड नॉइज बिल्कुल भी नहीं है, नॉइज़ कैंसलेशन जो फीचर है इसका बहुत अच्छा है। अगर मैं, मेरे पास स्टड्स निंजा 3G है, अगर मैं इसका हाफ फेस जो वाइज़र है मैं अगर वो ओपन भी कर दूँ डायरेक्टली, हालांकि विंड जो होती है वो बिल्कुल माइक के साथ टकरा रही होती है लेकिन आवाज़ में किसी किस्म का कोई विंड ब्लास्ट नहीं आता। डन कर लिया नीचे से वैसे? हाँ डन कर लिया मैंने। चले मैं मुनाल की तरफ राइट ले रहा हूँ फैसल। मैं अभी इधर से एक दो टर्न पीछे हूँ। सही। इस डिवाइस का इन इंटरकॉम्स का हम डिटेल रिव्यू भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको जब एक दो मंथ्स जो है यूज़ कर लेंगे ताकि इसकी जो बैटरी टाइमिंग है और चार्ज में कितना टाइम लेती है डिवाइसेस, तो वो सारा कुछ हमें क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसका एक डिटेल रिव्यू बनाएंगे, तो उसमें हम ये सारी चीज़ें जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं या जो इसके अच्छे फीचर्स हैं वो हम सारे डिस्कस करेंगे। अमार क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस आई कैन हियर यू। ओके फैसल मैं इस वक्त जा रहा हूँ 70 पे, 70 किलोमीटर एन आवर ऑलमोस्ट, मैं भी इतनी स्पीड में आ रहा हूँ और मैं आप पहुँच गए 80 और मैं ये मुनाल वाले उस पे हूँ, मुनाल के गेट पे पहुंच गया हूँ। परफेक्ट आ रही आवाज ना? क्लियर आवाज आ रही है। गुड। अभी फैसल डिस्कनेक्ट हो गया है, डिस्कनेक्ट तो नहीं होगा लेकिन डिस्टॉर्शन हो रही है आवाज में, और मे बी आप लोगों को आवाज नहीं आ रही हो फैसल की, तो जैसे ही वो रेंज में आएगा तो दोबारा रिकनेक्ट हो जाएगा। हाँ रिकनेक्ट हो गए हैं, रिकनेक्ट हो गए हम वापस रेंज पे जैसे ही आए हैं। हाँ क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, बार जो है वो टेस्ट राइड हमारी कंप्लीट हो गई है और इस वक्त हम एक ढाबे पे रुके हैं। कौन सी जगह है फैसल? शिकरपड़िया। हाँ हम यहाँ पे चाय शाय पियेंगे, आज की राइड के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और फिर अपने घरों को निकल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो यू विल नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम माई चैनल। थैंक यू गाइज, बाय बाय।